अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिसंबर 2023 को मैं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश देवास के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। वर्ष 2002 में 22 जुलाई को मैंने ये सेवा प्रारंभ की थी। इससे पूर्व मैं रीवा जिले में जिला अधिवक्ता संघ रीवा का सदस्य था और जिला न्यायालय रीवा में वकालत करता था। हाईकोर्ट में भी हम लोग जरूरत पड़ने पर जाया करते थे। मैं अधिवक्ता के रूप में कार्य करता था। सन 98 में सीधी भर्ती के तहत विज्ञापन निकला था। उस समय हमने विज्ञापन को देखकर और उसमें 7 साल कम से कम अधिवक्ता के रूप में काम करने की योग्यता मांगी गई थी, फॉर्म भरा था। ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन वर्ष 2002 में खबर मिली कि हमारा सिलेक्शन जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर के पद पर हुआ है। रीवा से मेरा अकेला सिलेक्शन था। 22 जुलाई 2002 को मैंने ट्रेनी जज के रूप में जबलपुर में कार्यभार ग्रहण किया और वहाँ रहने के बाद अक्टूबर के महीने में हम लोगों की ट्रेनिंग पूरी होने पर मुझे पहली पदस्थापना रायसेन ज़िले में दी गई। रायसेन ज़िले में 2002 से लेकर 2005 तक मैं अपर जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ रहा। फिर मेरा स्थानांतरण पन्ना ज़िले के लिए हुआ। पन्ना में सन 2005 से लेकर 2011 तक 6 साल एक ही स्थापना में अपर जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत किया। वहाँ से मेरा स्थानांतरण बैतूल के लिए हुआ। 2011 से लेकर 2015 तक बैतूल में मैंने अपर जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश SC/ST अधिनियम में काम किया। उसके बाद मेरी स्थापना 2015 में फैमिली कोर्ट छिंदवाड़ा के लिए हुई। मुश्किल से 4 महीने काम करने के बाद हमें वापस जिला स्थापना में पदस्थ कर दिया गया और फिर छिंदवाड़ा में मैं विशेष न्यायाधीश के रूप में काम किया और 2016 में 1 दिसंबर से प्रभारी जिला न्यायाधीश के रूप में भी मैंने मार्च के 17 तक काम किया। उसके बाद छिंदवाड़ा से मेरा रेगुलर प्रमोशन हुआ प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर। पहली पोस्टिंग मंदसौर में हुई, मंदसौर के बाद मेरी पोस्टिंग सीधी में हुई। फिर सीधी से मुझे राजगढ़ काम करने का मौका मिला और राजगढ़ से मुझे देवास स्थापना में काम करने मिला। मुझे एक अवसर मिला, एक संयोग रहा कि मुझे 5-5 जिलों में काम करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर रहा कि 5 जिलों के जिला न्यायाधीश के रूप में काम करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिल पाता है। मुझे खुशी है कि मैं जहाँ भी रहा मुझे बार से अपने कर्मचारियों गण से सबसे सहयोग मिला और मैंने अपने पूरे योग्यता के अनुसार वहाँ पर जितना अच्छा काम कर सकता था काम करने का प्रयास किया। मैंने जहाँ जहाँ भी पदस्थापना में रहा मैंने जिला न्यायाधीश के रूप में ऑनलाइन पूरा काम कराया, कंप्यूटराइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया और यहाँ देवास ज़िले में मेरे आने से पहले ऑनलाइन कोई भी सिस्टम नहीं था। मैंने आने के बाद ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया और आज की डेट में देवास में सारा काम ऑनलाइन है। ये हमारा प्रयास रहा और ये प्रयास सफल हुआ। कर्मचारी गणों का, न्यायिक अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहा। आज उन्होंने मेरे सम्मान में ये विदाई समारोह किया। मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में ईश्वर मुझे नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ मुझे और सफलता दिलाए और मुझे नए मुकाम पर पहुँचाए। आप सभी का स्नेह प्यार ऐसे मिलता रहे, खासकर आप सोनी जी का प्यार ऐसे मिलता रहे। सोनी जी कभी आप आइएगा, जरूर मुझसे मिलिएगा। आपके साथ लीगल एड के बहुत से कार्यक्रम में रहे, आपने हमेशा हमारे लीगल एड के कार्यक्रम को प्रचार प्रसार किया, काफ़ी आपने हमको स्थान दिया। हम आपका बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।